श्रीमद् शंकर देव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा जी और गुरुदेव मादर राम ब्रह्मा जी जैसी संत आत्माओं से जुड़ी इस धरती का मैं वंदन करता हूं। इन्हीं के आशीर्वाद से एनडीए सरकार यहां सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास को आधार बनाकर इसी मंत्र को लेकर के आप लोगों के कल्याण के लिए आप लोगों के सपने पूरे करने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। इसलिए पहले चरण की वोटिंग में असम के लोगों ने एनडीए को भरपूर आशीर्वाद दिया है। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं असम के कोकराझार से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली हो रही है। डबल इंजन की सरकार की भव्य विजय पर मोहर लगा दी है और आज भी जो मतदान चल रहा है सारी खबरें उत्साहजनक है। भाइयों बहनों, पूरा हिंदुस्तान इस बात को जानता है कि यहां के नौजवानों में फुटबॉल बहुत फेमस है। अगर मैं उन्हीं की भाषा में कहूं तो कांग्रेस और उसके महाजूट को यहां के लोगों ने फिर रेड कार्ड दिखा दिया गया है। साथियों, असम के विकास के लिए असम के लोगों का विश्वास एनडीए पर है। असम में शांति और सुरक्षा के लिए असम के लोगों का विश्वास एनडीए पर है। असम के सम्मान और संस्कृति की सुरक्षा के लिए असम के लोगों का विश्वास एनडीए पर है। और इसलिए असम को दशकों तक लूटने वाली, असम के संस्कृति को तबाह करने का सपना देख रहे महाजूठ वाले बौखला रहे हैं। महाजोत वाले बड़े बड़े झूठ बोलेंगे, अफवाहें फैलाएंगे, लेकिन असम के लोगों को उनसे सावधान रहना है, सतर्क रहना है। ये बातें कितनी जरूरी हैं, ये कोकराझार से बेहतर भला कौन समझ सकता है। ये चुनाव महाजोत के महाजूठ और डबल इंजन के महाविकास के बीच है। कांग्रेस ने हमारे सत्रों, हमारे नाम घरों को अवैध कब्जा गिरोहों के हवाले किया, एनडीए ने उन्हें मुक्त किया। कांग्रेस ने बराक, ब्रह्मपुत्र, पहाड़, मैदान सबको भड़काया, अंदर अंदर टकराव करवाया, एनडीए ने इनको विकास के सेतु से जोड़ा है, दिलों को दिलों से भी जोड़ा है। कांग्रेस ने इन क्षेत्रों को पानी, बिजली, गैस, सड़क ऐसी सुविधाओं के लिए तरसाया, सालों तक तरसाया। एनडीए हर सुविधा घर तक पहुंचा के लिए आज जी जान से जुटी हुई है। कांग्रेस ने टी गार्डन में काम करने वाले साथियों को कभी पूछा तक नहीं। ये एनडीए की ही सरकार है जिसने टी गार्डन्स में काम करने वाले मजदूर भाई बहनों की हर चिंता के समाधान का प्रयास किया। 3.25 लाख से ज्यादा परिवारों को भूमि के पट्टे देना हो, मजदूरी बढ़ाना हो, टी गार्डन्स में काम करने वाली बहनों बेटियों का जीवन आसान बनाना हो,
ये एनडीए की सरकार ने ही पूरी चिवटता के साथ, पूरी संवेदनशीलता के साथ और सबका साथ सबका विकास मंत्र को लेकर के पूर्ण करने का प्रयास किया है। साथियों, ऐसी कोई जनजाति नहीं जिससे कांग्रेस ने विश्वासघात नहीं किया। वहीं एनडीए सरकार कोच, राजवंशी, मोरान, मोटोक, सूतिया सभी जातियों के हित में कदम उठा रही है। इसके लिए नई डेवलपमेंट काउंसिल बनाने का काम यहां तेजी से चल भी रहा है। हमारी कोशिश है कि हर जनजाति को उनकी परंपरा, उसकी भाषा, उसके रोजगार के लिए सुरक्षा भी मिले, सम्मान भी मिले। मुझे संतोष है कि 2016 में बीटीआर में शांति और विकास का जो वादा हमने किया था उसे लेकर हमने बहुत ईमानदार प्रयास किया है। कांग्रेस के लंबे शासन ने असम को बम, बंदूक और ब्लॉकेड में झोंक दिया था। एनडीए ने असम को शांति और सम्मान की सौगात दी है। आप याद कीजिए, ये अटल जी की ही एनडीए सरकार थी जिसने बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल का अधिकार आपको दिया था। ऐतिहासिक बोडो अकॉर्ड पर मुहर लगाई है। आज बीटीआर का विस्तार भी हुआ है और विकास की नई शुरुआत भी हुई है। बोडोलैंड के स्थायी विकास के लिए हमारा मंत्र है पीस, प्रोग्रेस और प्रोटेक्शन। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।